आप देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है सनिका जी ने, जो कि महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। तो सबसे पहले सनिका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर, इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। सनिका जी बताती है कि घटना है सन 2017 की, जब मैंने अपने बॉयफ्रेंड आकाश के साथ महाराष्ट्र के जलगांव जंक्शन से नासिक जाने का प्लान बनाया था। प्लान के मुताबिक हम दोनों रात के तकरीबन 10:30 बजे जलगांव जंक्शन पहुंचे और प्लेटफार्म पर ट्रेन आने का वेट करने लगे। लगभग 1.5 घंटा इंतजार करने के बाद हमारी ट्रेन आई। ट्रेन आते ही हम जल्दी से चढ़े और सीट की ओर बढ़ने लगे, मगर हैरानी की बात तो यह थी कि उस बोगी में 4 से 5 यात्रियों के सिवाय कोई दूसरा मौजूद नहीं था। उसमें सिर्फ 3 औरतें और 2 आदमी ही थे। पूरे डिब्बे में इतने कम लोगों को देखकर थोड़ा अजीब सा लगा। खैर, हम दोनों ज्यादा ध्यान न देते हुए अपनी सीट पर जाकर बैठ गए और कुछ देर बाद ट्रेन भी चलने लगी। अब मैं और आकाश इधर उधर की बातें करने लगे और साथ ही मजाक मस्ती भी। करीब 1 घंटे के बाद मुझे टॉयलेट लगी तो मैंने आकाश से कहा, यार थोड़ा टॉयलेट जाना है, तुम बैठो, मैं अभी आई। मैं अकेले ही टॉयलेट चली गई। वहां एक छोटा सा बल्ब हल्की रोशनी में टिमटिमा रहा था, जिस वजह से वहां कुछ ज्यादा रोशनी नहीं थी। उजाला कम होने की वजह से मुझे अकेले में थोड़ा डर सा लग रहा था। मैं डरते डरते टॉयलेट के पास पहुंची तो मैंने देखा कि टॉयलेट का दरवाजा तो बंद है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो 5 यात्री अपनी अपनी सीट पर बैठे थे। मैं ये सोच रही थी कि वो 5 तो वहां पर बैठे हैं तो टॉयलेट में कौन है। खैर, मैंने दरवाजे को जोर का धक्का दिया। जैसे ही दरवाजा खुला कि मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई और मेरा दिल धक सा हो गया। मैंने देखा कि टॉयलेट के भीतर एक अजीब सी औरत बैठी हुई है, जो भिंड रूप थी। उसकी लाल सुरख आंखें और भयानक चेहरा देखकर मैं बेजान सी हो गई। इससे पहले मैं वहां से भागती कि उस औरत ने मेरा गला पकड़ लिया और बुरी तरह से गुर्राने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि उसने मेरे पूरे शरीर पर कब्जा कर लिया हो। मैंने बोलने की भी बहुत ही कोशिश की, मगर बोली नहीं पा रही थी। मैंने किसी तरह अपने आप को उस औरत से छुड़ाया और मैं नीचे गिर गई। तभी मैंने लड़खड़ाती हुई जुबान से आवाज दी तो आकाश और बाकी के लोग भी एकदम से दौड़कर आए। मैंने टॉयलेट की ओर इशारा किया तो वहां पर कोई नहीं था। मेरी बुरी हालत देखकर आकाश मुझे सीट पर ले आया। तब जाकर मैंने राहत की सांस ली और पूरी रात डर में ही काटे। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।